जबरदस्त बनी है, बाजार को इसने फेल कर दिया, ये देखें। नहीं बाजार से कम नहीं है शायद, ऊपर ही इंशाल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह। तो वैसे ही पता है कि ये बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हुशैज, और ये हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे यूट्यूब मेरी फैमिली, आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अपना टाइम बचाते हैं, शहर से पूछते हैं, शहर आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? आज हम एगलेस मायनीज बना रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज हमारे किचन में बन रहा है एगलेस मायनीज, और शहर आज सरप्राइज में दो मायनीज देने वाली है, और बहुत ही आसान झटपट बनने वाली, जो आके आपके घर में सारे सामान होंगे उससे बन जाएंगे। तो शायद अपना टाइम बचाए, जरा बताइए। हाफ कप मैंने दूध लिया है, और वन कप मैंने ऑयल लिया है, और ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। आप लोग जो घर का रेगुलर यूज करते हैं उस ऑयल में बना लेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक। तो और मैंने ये सिरका लूंगी 1 टेबल स्पून। ठीक। और 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है, नमक थोड़ा सा लिया है, हसबे जायका आप लोगों को जितना लेना हो, और थोड़ा सा मैंने लहसुन का एक जवा लिया है। अच्छा शायद आप बता रहे कर लिएगा। जी जी। अच्छा आप शायद बता रही थी कि ये आपने पाउडर फॉर्म में लिए चीनी मैंने, और 1 टेबल आपने मुझसे जिक्र किया था कि ये दोनों चिल्ड होनी चाहिए। जी ये बिल्कुल दोनों सही बात है। ये जी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल दोनों चिल्ड होनी चाहिए। देखिए व्यूअर्स, ये ना दूध लेंगे जो आपने बताया चिल्ड है शायद। जी हाँ बिल्कुल चिल्ड लिया है। अच्छा ये बिल्कुल बस बर्फ नहीं होनी चाहिए, लेकिन चिल्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल चिल्ड। अच्छा इसके बाद शायद क्या डालेंगे शायद इसके अंदर? हम ये पाउडर फॉर्म में जो आपने शुगर उसको आप कर लीजिए, टेस्ट अकॉर्डिंग अगर आपको नमक कम करना हो तो कर लीजिएगा। लेकिन आप तो परफेक्ट बता रही है शायद। जी ये सब चीजें इसके, ये येलो कलर का क्या बताया था? ये चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। ठीक। और ये अदरक बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए फिर अब आपको सैन करके दिखाएंगे। मैं चलो ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। चलिए आप, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आप जो अपने घर की मिक्सी होती है तो आप मिक्सी में भी कर सकती हैं, और हम आपको इसमें क्या कहते हैं हैंड बीटर से करके दिखा रहे हैं। ठीक है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने बीटर में, अच्छा पहले हम आप इसको मिक्स कर लें, पहले इसको मिक्स कर लें शायद, इजाजत है? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हम ऑयल डालते रहेंगे, ऊपर से आप डालते हैं। जी सारी चीजें ऑयल डालते हैं ना। बहुत ही जबरदस्त बनी है, बाजार को इसने फेल कर दिया, ये देखें। नहीं बाजार से कम नहीं है शायद, ऊपर ही इंशाल्लाह। और टेस्ट भी यकीन करेंगे बहुत जबरदस्त है इसका। ये जो रेसिपी है मेरे ख्याल में ये तो कमर्शियल में भी लोगों को नहीं पता। जी हाँ है जो आपका फ्लेवर है, और आप आउट क्लास खाएंगे ना इसको, और देखें ये ज्यादा नुकसान की भी नहीं है, वहाँ बाहर केमिकल डलते सब कुछ होता है, सब पता है। अच्छा इसमें एग भी नहीं है, मजे की बात, आपका कमाल ये इसमें एग भी नहीं है। जी अब आप ये देखिए ना कितनी जबरदस्त है, आप इसे बर्गर पे बनाए, और मैं अभी इस तरह की काफी सारी आपको मायनीज हर फ्लेवर में दूंगी, और बहुत अच्छी दूंगी। अच्छा शायद अभी वो तो बनाए दिखाएं, अब हमें दूसरी वाली मायनीज। जी अब मैं आपको दूसरी मायनीज जो कि बर्गर में डालते हैं, जी मैं दिखाती हूँ आपको। शायद प्लीज वो जल्दी बनाए, वो तो हमारी सबकी फेवरेट है। देखिए व्यूअर्स, हमारी ये व्हाइट वाली मायो तो बन गई है। ठीक है, कितनी जबरदस्त और थिक है ये देखिए आप, और विदाउट एग है शेफ। जी कमाल तो यही है कि बगैर एग है शेफ। जी हमारी हो गई है। अब हम आपसे वादा किया था कि आपको दूसरी भी मायनीज देंगे, तो वो भी देंगे, और काफी सारी मैं और भी दूंगी आपको, सारी रमजान स्पेशल है। सही है। आप रमजान में एंजॉय करें, बना के रख लें 10-15 दिन आराम से एंजॉय करें। ये महीने पूरे रमजान निकाल लीजिए ज्यादा क्वांटिटी में बना। जी आराम से बनाए जितना आप लोग खाते हैं। देखें इसके अंदर हम थोड़ी सी ये डालेंगे, थोड़ा सा हमने मस्टर्ड पेस्ट डाला है, थोड़ा सा हम ये ब्लैक पेपर लेंगे। ठीक। ये मायनीज तो बहुत छोटा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, गजब की होने वाली है। जी ये हम केचप लेंगे 1 टेबल स्पून
वन टेबल स्पून केचप ले लिया हमने और वन टेबल स्पून चिली, चिली सॉस ले लिया हमने जी, ठीक है। और फिर इन सबको हम मिक्स कर देंगे। हाँ तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारी बन गई है। और तो वैसे ही पता है कि ये वाली जो मेयोनीज होती है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है जी। अगर आपको तो पता है इसके और इसके रेटों का बहुत डिफरेंस होता है जी। तो इसी तरह की काफी सारी है मेरे पास, तो मैं सारी आप लोगों को दूंगी। रमजान स्पेशल है ये, शायद रमजान से पहले देना है जी। रमजान से पहले मैं सारी दूंगी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि कमिटमेंट कराने की शायद से कि रमजान से पहले हमें मेयोनीज और मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सारी मिलेंगी इंशाल्लाह, मिलेंगी हमें बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी। तो व्यूअर्स, आपको ये हमारी रेसिपी आज की कैसी लगी, जो कि नहायत ही आसान और बहुत झटपट बनाई है शेफ ने। घर में सारे आइटम थे, कोई आपको बाजार नहीं जाना पड़ा, कोई आपको एड नहीं लाने पड़े। तो व्यूअर्स, इसके बारे में आप बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी, शेफ इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस यही बोलूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, तो हम आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज देंगे। और दूसरा ये कि नए आने वालों के लिए कि वो सब्सक्राइब करें हमारे, तो इंशाल्लाह फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, हमने एक मेयोनीज एग वाली पहले बनाई थी, तो उसका लिंक भी आपको इसमें डाल देंगे, वो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक शेयर डाल दें इसमें जी। इसमें डाल दीजिए, इसमें हम आप डाल देंगे। तो व्यूअर्स चलते हैं, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।